जंगल का राजा कौन होता है भाई? शेर होता है। चलिए हम लोग शेर की कहानी सुनेंगे, शेर की और गधे की, ठीक है? एक शेर है और एक गधा है, तो गधा कहीं जा रहा है, उसको हम लोग गाने से सीखेंगे, ठीक है? चला जा रहा था मैं डरते हुए, हरी घास को चरते हुए, कि मेरे सामने आ गया शेर। शेर, ठीक है? तो शेर उसको देखा तो कह रहा है, देखा है पहली बार जंगल में तुझको यार। तो गधे ने कहा कि जी सरकार, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। तो कह रहा है, मेरे जंगल में, मेरे जंगल में तुम्हारा क्या काम है, मेरे जंगल में तुम्हारा क्या काम है। तो गधा डर गया, तो कह रहा है, याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ। तो शेर कहता है, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, इतने पे गधा क्या हो गया? डर गया। गधा डर गया तो कह रहा है गधा कि याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ। लेकिन बोलता है कि शेर से कि सरकार एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। कह रहा है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम घर में है, प्रॉब्लम बाहर है। तो शेर कहा, बट व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो कहता है गधा, बोलता है उनसे कि एक मेरे पैर में एक कांटा लग गया है। तो देखिए वो गा के कैसे कहता है, कहता है, कांटा लगा हाय लगा, पाओ में मेरे पाओ में मेरे। कहता है यदि आप ये कांटा निकाल दीजिएगा तो हमें खा लीजिएगा। तो शेर कहता है, जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। और शेर जाकर के गधा उसको एक लात मारता है उसके मुंह पे, ठीक है, और भाग जाता है। तो शेर कहता है, बना के तू बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले, ऐसे बोलता है। तो गधा कहता है, भागता और गाना गाता है, चांद जैसे मुखड़े में बिंदिया सितारा, नहीं भूलेगा तोले आज का नजारा, ओ नजारा। इसी तरह बुद्धिमानी से गधे ने काम निकाल लिया, अपनी जान शेर के हाथ से बचा के निकल गई। इसीलिए बुद्धि से काम लेना चाहिए। चलिए, थैंक यू।